वेरी ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग क्लास 11 बायोलॉजी स्टूडेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेरिडो फाइटा. एज द वर्ड इंडिकेट्स, पेरिडो मीन्स फैदरी एंड फाइटा मीन्स प्लांट्स. इट मीन्स दीज आर फैदरी प्लांट्स विच हैव फैदरी अपीरियंस. बेसिकली पेरिडो फाइटा आर प्रेजेंट ऑन द डैम्प एंड मॉइस्ट places and basically they are the ornamental plants and they are adhesed on the soil with the help of the roots and basically they prevent the soil erosion. These are the first land plants which have vascular bundles. ये पहले ऐसे plants हैं जिनमें vascular bundle present होते हैं. पहले ऐसे land plants हैं. बेसिकली दे हैव द फुल ऑर्गेनाइज बॉडी. पूरी ऑर्गेनाइज बॉडी होती है एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज द जाइलम एंड फ्लोएम. हर एक पार्ट में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स एवरी बॉडी पोर्शन हैज अ ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू टू कैरी द फूड वाटर मिनरल एंड डिफरेंट थिंग्स. बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द रूट स्टेम एंड लीव, अगर हम बात करें रूट स्टेम और लीव की, इसमें स्पेशल चीज जो है वो है इसकी लीव्स. देर आर टू टाइप ऑफ लीव्स इन द टेरिडोफाइटा. दो तरह की लीव्स होती हैं टेरिडोफाइटा में. फर्स्ट आर द माइक्रोफिल्स विच आर बेसिकली प्रेजेंट इन द हॉस्टेल्स में प्रेजेंट होती हैं. एंड अनदर आर मैक्रोफिल्स विच आर प्रेजेंट इन फंस. मैक्रो मीन्स छोटी छोटी लीव्स होती हैं, मैक्रो मीन्स बड़े साइज में लीव्स होती है. सो देर आर टू टाइप ऑफ लीव्स इन दीज प्लांट्स. रूट्स आर प्रेजेंट, स्टेम आर प्रेजेंट. इट मीन्स दे हैव फुल ऑर्गेनाइज बॉडी. पूरी बॉडी जो है वो एक ऑर्गेनाइज होती है. प्रीवियसली वैन वी हैव डिस्कस द ब्रायोफाइटा, आई टोल्ड यू दैट द मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज द गेमेटोफिटिक बॉडी. इट मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोजोम आर हाफ. हैप्लॉइड बॉडी होती है उनकी. बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा द मेन प्लांट, जो उसका मेन प्लांट है, वो कैसा होगा आपका 2N. इट मीन्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. जो मेन प्लांट बॉडी है उसकी वो कैसी है, स्पोरोफाइट. दीज स्पोरोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट हैं, दीज स्पोरोफाइट कंटेन्स स्पोरेंजिया. इन स्पोरोफाइट्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं. एंड दीज स्पोरेंजिया आर कवर्ड बाई द क्लस्टर ऑफ लीव्स. एंड दीज टाइप ऑफ लीव्स विच कंटेन दीज स्पोरेंजिया, दीज आर नोन एज स्पोरोफिल्स. स्पोरो मीन्स स्पोरेंजिया, फिल्स मीन्स लीव्स. इट मीन्स ऐसी लीव्स जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, उसको कहते हैं हम स्पोरोफिल्स. बेसिकली इफ दीज स्पोरोफिल्स आर लूजली कनेक्टेड, अगर ये स्पोरोफिल्स, ये लीव्स जिनमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, अगर ये लूजली कनेक्टेड हैं, देन दे मेक द स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलाई. ये क्या बनाती हैं, स्ट्रोबिलाई. इफ दीज आर टाइटली कनेक्टेड, अगर ये टाइटली आपस में जुड़ी हुई हैं, देन दे मेक द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज कोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोन. नाउ वी विल डिस्कस ऑल अदर थिंग्स अबाउट द टेरिडोफाइटा इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा. सो आई एम गिविंग यू अ लाइफ साइकिल डायग्राम बाय विच यू कैन इजीली लर्न ऑल द फेजेस ऑफ टेरिडोफाइटा प्लांट. यू कैन सी द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, नॉट डायग्रामेटिक, ओनली रिटन लाइफ साइकिल इज देयर. If you want, then you can write your demand in the comment section. I will give you the diagrammatic life cycle also. So, but you can learn the life cycle by this method very easily. Okay. The main plant body of the pteridophyta is the sporophyte. It means diploid, 2N. Now, in this plant, sporophylls are present. In plants, mein kya present hoti hai? Sporophylls. It means the leaves which contain the sporangia. Inside these leaves, sporangia are present. Now inside this sporangia, so many spore mother cells are present. बहुत सारी spore mother cells present होती हैं, which conduct reduction, division or meiosis by which spores are formed. जिससे क्या बनते हैं, spores बनते हैं. Now you can see all these are diploid in nature, but these spores are formed by the meiosis. That's why these are haploid in nature. Now these spores start to germinate and make the another plant body which is small, inconspicuous but self-dependent. This structure is known as prothallus. It means now this plant entered into the gametophyte condition. इससे आगे बढ़ने से पहले एक बात बताती मैं आपको. In some plants, in some pteridophyta, two type of spores are formed. दो तरह के spores बनते हैं, अलग से यहाँ पर बता देती हूँ मैं. First is the microspore and another is the megaspore.
इट मीन्स जो मैंने अभी यहाँ पर बताया वो आपकी कौन सी कंडीशन है, यूनिसेक्चुअल कंडीशन है, जहाँ पर मेल फीमेल एक ही थैलस में, एक ही प्रोथैलस में प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर स्पोर अलग अलग तरह के बने, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बने, छोटा और एक बड़ा स्पोर बना, देन माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द मेल प्रोथैलस। माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होगा? मेल प्रोथैलस में डेवलप होगा। और जो मेगास्पोर है वो किस में डेवलप होगा? फीमेल प्रोथैलस में डेवलप होगा। इट मीन्स मेल फीमेल दोनों प्रोथैलस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर सेम है प्रोथैलस, एक ही स्पोर से बना हुआ है, तो उसमें क्या होगा? एंथ्रीडी आर्चिगोनिया एक ही प्रोथैलस में प्रेजेंट होगी। बट इन दिस केस, अगर ये केस है, माइक्रोस्पोर अलग है, मेगास्पोर अलग है, एट दैट टाइम द प्रोथैलस आर डिफरेंट, इट मींस द आर्चिगोनिया एंड द एंथ्रीडी आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट थैलस, ऑन द डिफरेंट प्रोथैलस। आर्चिगोनिया और एंथ्रीडी क्या होंगी? अलग अलग थैलस पर प्रेजेंट होंगी। नाउ एंथ्रीडिया इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आर्चिगोनिया इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ द एंथ्रीडिया प्रोड्यूसेस द एंथ्रेजॉइड विच आर द मेल गैमेट्स एंड द आर्चिगोनिया प्रोड्यूसेस द एग विच आर द फीमेल गैमेट्स। नाउ फॉर द फ्यूजन ऑफ दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। इट मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अकर इन द वाटर। जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, वो कहाँ पर होता है? वाटर में होता है। एंड वैन दे फ्यूज टूगेदर दे फॉर्म द डिप्लॉइड जायगोट। इट मीन्स अगेन द स्पोरोफिटिक कंडीशन कम्स, दोबारा से फिर से क्या आ जाती है आपकी? स्पोरोफिटिक कंडीशन आ जाती है। नाउ द जायगोट स्टार्ट टू डेवलप, ये जायगोट फिर से डेवलप होना शुरू करता है एंड इट चेंजेस इन टू एम्ब्रियो। ये किस में चेंज हो जाएगा? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। एंड अगेन दिस एम्ब्रियो शो सो मैनी चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर। ये एम्ब्रियो अपनी स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस शो करता है। और एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर हमें इसकी सीड जैसी हैबिट दिखाई देती है। इट मीन्स एक ऐसा इंडिकेटर है जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है इसके एम्ब्रियो में, उस तरह का डेवलपमेंट जो आपको आगे वाले आने वाले प्लांट्स में देखने को मिलता है। और ये सीड लाइक स्ट्रक्चर जो सीड हैबिट शो कर रहा है एम्ब्रियो, फाइनली इसमें चेंज होता हो जाता है प्लांट बॉडी, इट मीन्स स्पोरोफाइट में चेंज हो सकता है। नाउ आई हैव डिवाइडेड द होल लाइफ साइकिल इन टू टू पार्ट। इतना जो पार्ट है आपका वो किसको शो कर रहा है? स्पोरोफाइट फेज को शो कर रहा है, इट मीन्स डिप्लॉयड कंडीशन को शो कर रहा है। जबकि जो इतना पार्ट है वो किसको शो कर रहा है? हैप्लॉयड कंडीशन को। तो आप इससे देखकर ये पता कर सकते हो कि डिप्लॉयड कंडीशन इसमें ज्यादा देर के लिए रही और हैप्लॉयड कंडीशन थोड़े टाइम के लिए आई। तो इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है उसको नाम देते हैं डिप्लोहैप्लोंटिक लाइफ साइकिल। डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल, डिप्लो आगे से लिखा है क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन ज्यादा टाइम के लिए रही है, हैप्लॉयड कंडीशन कम। अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा में उल्टा था, हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल थी क्योंकि वहां पर हैप्लॉयड कंडीशन ज्यादा टाइम के लिए रही थी और डिप्लॉयड जो है वो कम टाइम के लिए रही थी। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, प्लांट बॉडी विच कंटेन द स्पोरोफिल्स, इट मीन्स विच हैव स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया हैव स्पोर मदर सेल्स विच बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस चेंजेस इनटू स्पोर्स, स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज प्रोथैलस, दैट इज द गैमेटोफिटिक कंडीशन। ऑन द प्रोथैलस, ऑन द सेम प्रोथैलस और ऑन डिफरेंट प्रोथैलस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट विच आर एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, दे प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म द जायगोट, दिस जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो फाइनली चेंजेस इनटू द मेन प्लांट बॉडी। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। So next time we are going to discuss the gymnosperm. Till then, goodbye. Have a beautiful day.